चश्मा। आपने अपने जीवन में कुछ लोगों को चश्मा लगाए जरूर देखा होगा। आपके खुद के ही कुछ दोस्त चश्मा जरूर लगाते होंगे। ये लोग चश्मा क्यों लगाते हैं? अक्सर ये भी सुना होगा कि आंखें कमजोर हो गई हैं, दिखना कम हो गया है, इसलिए हम चश्मा लगाया करते हैं। ये आंखों का कमजोर होना, दिखाई कम देना क्यों होता है? हमने अपनी पिछली वीडियो में आंखों के अंगों के बारे में जाना। तो वह आंखों का कौन सा अंग होता है जिसके दोष से हमें दिखना कम हो जाता है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन आंखों के दोषों को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी होगा, जिसे हम आंखों की समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं। ये समंजन क्षमता क्या होती है? कभी गौर किया है कि हम एक पल में नजरें उठा के बहुत दूर का नजारा देख लेते हैं और दूसरे ही पल सामने रखी किताब में लिखी कहानी को भी पढ़ पाते हैं। क्या ये जितना आसान दिखता है वाकई में उतना ही आसान है? नहीं। जैसा कि हमने जाना था कि हमारी आंखों में लेंस पक्षमापी पेशियों की मदद से अपना साइज या फोकल दूरी को बड़ा या छोटा करता है, जिसकी वजह से हम ये अलग अलग नजारे पल भर में देख पाते हैं। किसी पास रखी वस्तु को देखने के लिए हमारी पक्षमापी पेशियां सिकुड़ती एवं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तब लेंस मोटा हो जाता है और फोकल दूरी कम हो जाती है और हम पास रखी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। दूसरे केस में पक्षमापी पेशियां ढीली एवं रिलैक्स्ड होती है, जिस कारण लेंस पतला हो जाता है और फोकल दूरी बढ़ जाती है, जो हमें दूर रखी वस्तु को देखने में मदद करती है। आपने देखा होगा कि किताब को बहुत पास रखने से पढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस एक हद तक अपनी फोकल दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। एक साधारण आंख के लिए ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, जिसे निकट बिंदु अथवा नियर पॉइंट कहा जाता है। मतलब किसी किताब को ठीक से पढ़ने के लिए हमें उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। उसी प्रकार दूर बिंदु अथवा फार पॉइंट अनंत पर होता है। आंखों के कमजोर होने का एक कारण यह भी है कि जब समंजन क्षमता कम हो जाती है, मोटे तौर पर चार तरह के दृष्टि दोष होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष, या जिसे इंग्लिश में नियर साइटेडनेस या मायोपिया भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को ये दोष होता है, वे करीब में रखी वस्तुओं को तो आराम से देख पाता है, मगर दूर रखी वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। और इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनके बल्कि उसके आगे बनने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिबिंब आगे क्यों बनता है? वह इसलिए बनता है क्योंकि इस दोष में स्वच्छ मंडल एवं लेंस का वक्रता अथवा कर्वेचर या आई बॉल की अक्षीय लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण आंखों की अभिसारी क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनने लगता है। ये दोष आमतौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि उनकी आंखों का साइज बढ़ता है, जिस कारण निकट दृष्टि दोष का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये वही बच्चे हैं जिनका जिक्र वीडियो के शुरू में हुआ था। यदि आप इनसे पूछे तो वे यही कहेंगे कि हमें दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता। जैसा कि इस दोष में अभिसारी क्षमता बढ़ जाती है, तो इसे ठीक करने के लिए अभिसारी क्षमता को कम करना होगा। लेकिन अभिसारी क्षमता को कम किया नहीं जा सकता है, इसलिए इसका उपाय है बाहर से आते प्रकाश को अपसारित कर दिया जाए। और इसके लिए हम एक अपसारी लेंस या अवतल लेंस को आंखों के आगे रख प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनने में मदद कर सकते हैं। दूसरा दोष, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष या अंग्रेजी में फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दोष के साथ इंसान दूर रखी वस्तु तो आराम से देख पाता है, लेकिन करीब रखी वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। इस केस में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। लेंस की फोकल दूरी के बढ़ जाने या आई बॉल के छोटे हो जाने से प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, इसलिए इसे सटीक पॉइंट पर अभिसारित कराने के लिए एक अभिसारी या उत्तल लेंस लिया जाता है, जिससे दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बन जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में लेंस की क्षमता का ध्यान रखा जाता है और एकदम सटीक क्षमता के लेंस ही चश्मे में लगाए जाते हैं। चश्मों के अलावा विभिन्न प्रकार की सर्जरी के माध्यम से भी इन दोषों को दूर किया जा सकता है।
तीसरा दोष जो जरा दूर दृष्टि एवं प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है, इस दोष में आंखों की समंजन क्षमता कम होने के कारण इंसान को दूर और करीब दोनों जगह ही देखने में दिक्कत होती है। ये दोष ज्यादातर बढ़ती उम्र के साथ लोगों को लग जाता है, जिसमें पक्षमाभि पेशियां और लेंस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर द्विफोकसी या बाईफोकल लेंस के चश्मे लगाने को कहते हैं। इन चश्मों का निचला हिस्सा उत्तल लेंस एवं ऊपरी हिस्सा अवतल लेंस से बना होता है। इन तीन दोषों के साथ एक और दिक्कत बुढ़ापे के दिनों में लोगों को आती है, जिसे हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। ये मोतियाबिंद आखिर होता क्या है? हमारी आंखों के लेंस में प्रोटीन होता है। बढ़ती उम्र के साथ ये प्रोटीन लेंस में जमा होता रहता है और एक समय के बाद लेंस को दूधिया रंग का बना देता है। लेंस के दूधिया रंग का बनने से लेंस की पारदर्शिता खोने लगती है और दिखाई देने में दिक्कत तथा दृश्य धुंधले होने लगते हैं। इस दोष को ठीक करने का एक ही उपाय है, वो है सर्जरी। आंखों के डॉक्टर सर्जरी कर इस लेंस को निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक दूसरा बनावटी या आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। मोतियाबिंद बहुत ही आम बीमारी है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि इसका इलाज कराना चाहिए। सर्जरी 15-20 मिनट तक चलती है और इंसान की आंखें एकदम नई जैसी हो जाती है। यदि मोतिया का इलाज सही समय पर ना कराया जाए तो इससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाए होंगे कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनकी आंखों के पीछे दरअसल कितना कुछ चलता है, जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते।